हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्रॉम बिजर डाल चावल। तो आज से राजस्थान महीना स्टार्ट हो रहा है, तो राजस्थान के लिए मैं शेयर करने जा रही हूँ आज दाल बाटी चूरमा की आइकॉनिक रेसिपी। दाल बाटी चूरमा राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और घर घर में बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है, तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। जदि आप ये रेसिपी को ऑडियो देखे हो चाहें देन ऊपर थी आई बटन लिंक को प्रेस करूँ। तो पहले हम बाटी के लिए डो लगा लेते हैं। उसके लिए एक बोल में हमको लेना है 1.5 कप आटा, 1/4 कप सूजी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन को ऐसे क्रश करके डाल देना है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी इसमें हमको डालना है 3 टीस्पून घी। यहाँ पर आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को आटे के साथ अच्छे से मिला लेना है और मोइन लगा लेना है। जब तक हाथ में ये ऐसे इकट्ठा नहीं हो जाता तब तक हमको इसे मिक्स करना है। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक स्टिफ सा आटा लगाकर तैयार कर लेना है। देखिए मेरा आटा गूंद कर तैयार हो गया है। अभी मैं इसको कवर करके रेस्ट के लिए रख रही हूँ। इस बीच में हम दाल बना लेते हैं। उसके लिए हमको 3/4 कप पंचमेल या पंचरंगी दाल लेना है। अगर आपको ये दाल मार्केट में नहीं मिल रही है तो आप 5 तरीके के दाल मिला के ले सकते हैं। तूर दाल, मसूर दाल, चना दाल, छिलके वाली मूँग की दाल और छिलके वाली उड़द की दाल। इन सबको मिक्स करके उसको 2-3 घंटे सोख करके रख लेना है। फिर इसको प्रेशर कुक कर लेना है 3 से 4 विसल तक नमक और हल्दी पाउडर डाल के। देखिए मेरा दाल अच्छे से अभी पक गया है। अभी मैं तड़के के लिए एक कढ़ाई में ले रही हूँ 2 टीस्पून घी। उसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1 कटा हुआ प्याज, 2 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 इंच कटा हुआ अदरक और 8 से 10 क्लोव्स कटे हुए लहसुन। और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 सूखी लाल मिर्च और इन सबको अच्छे से भून देना है हमको। उसके बाद एक टमाटर को छोटा छोटा चॉप करके उसमें डालना है और उस पर 1/2 टीस्पून नमक डाल के टमाटर थोड़ा कुक होने तक उसको अच्छे से भून लेना है। फिर इसके बाद सूखे मसालों में हमको डालना है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और उन सबको भी अच्छे से मसाले के जैसे भून लेना है। अभी इसमें हमको कुक किया हुआ दाल डाल देना है और दाल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट ऐसे ही कुक करना है। देखिए हमारा दाल बनकर अभी तैयार है। इसमें अभी हमको कटे हुए धनिया की पत्तियाँ डालनी है और हमारा दाल अभी रेडी है। अभी हमको बाटियों को कुक कर लेना है। उसके लिए एक कढ़ाई में मैंने स्टैंड डाल के कवर करके गर्म होने रख दिया है। यह हमारा देसी ओवन का सेटअप है। अभी बाटी का डो भी हमारा रेस्ट हो गया है, तो उससे एक गोला लेके हमको ऐसे पराठे के जैसा थोड़ा सा फ्लैट करके फिर कवर कर लेना है और ऐसे ही गोला बना लेना है। उसके ऊपर चाकू से मैं ऐसे प्लस का मार्क लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी सारे बाटियों को बना के हमको ऐसे एक छलनी वाले प्लेट या फिर नॉर्मल प्लेट पे घी ग्रीस करके उस पे रख देना है। अभी उसको हमको अवन के सेटअप में डाल के 20 से 30 मिनट बेक करना है। हमको इसको पलट पलट के हर तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक बेक करना है। टोटल मुझे यहाँ पर 1/2 घंटा या 40 मिनट तक लग गया था और ये अच्छे से बेक हो गया है। इसको हमें अभी देसी घी में डिबो देना है और हमारा बाटी बनकर अभी तैयार है। अभी हमको चूरमा बनाने के लिए एक ब्लेंडर जार में 2 बाटी ऐसे क्रश करके ले लेना है और उसको ब्लेंडर जार में ब्लेंड करके ऐसे पाउडर की तरह बना लेना है। ये पूरा पाउडर नहीं, थोड़ा सा दरदरा रहेगा। फिर हमको एक पैन में लेना है 1 टीस्पून घी और उस पर कटे हुए काजू और आलमंड या बादाम डाल के हमको भून लेना है। उसमें अभी क्रश किए हुए बाटियों को डाल देना है और थोड़ा सा भून लेना है और फिर इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करके थोड़ा ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसमें ऐड करना है 3 टीस्पून बूरा या फिर आप पाउडर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ किशमिश और 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल के इन सबको मिक्स कर लेना है और हमारा चूरमा बनकर तैयार है। अभी सर्व करने के लिए मैं यहाँ पर 2 बोल में, 1 बोल में दाल और 1 बोल में चूरमा सर्व कर रही हूँ और उस साथ में बाटी भी सर्व कर रही हूँ। खाने के टाइम आप इसको बाटियों को क्रश करके उसके ऊपर से थोड़ा सा दाल और कटे हुए प्याज डाल के सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये कॉम्बिनेशन एकदम यूनिक है और बहुत टेस्टी लगता है, तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसा लगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।